हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारे साथ में आप जो स्मार्ट की देख रहे हैं वो बिलोंग करती है ऑलिव टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर को, और ये आप इसका 2024 का फुली हाइब्रिड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में टॉप मॉडल वी देख रहे हैं। आज इसी को पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि गाड़ी के इस वेरियंट के साथ में आपको कितनी माइलेज देखने को मिल जाएगी, क्या क्या फीचर देखने को मिल जाएंगे, और गाड़ी की ऑनर प्राइस वगैरह क्या होने वाली है, सभी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट से। जैसे ही आप गाड़ी को सामने से देखेंगे तो काफी शानदार सा लुक देखने को मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आपको सेंटर पे टोयोटा का लोगो मिल जाता है और पूरी क्रोम इंसर्ट का यूज देखने को मिल जाएगा जो कि कनेक्ट होती है डीआरएल तक की। और यहाँ पे आपको इसके डीआरएल और साइड इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और नीचे की तरफ ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है आपको। और गाड़ी की अगर जो है ओवरऑल चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे आपको 1795 mm की चौड़ाई देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है टोयोटा के लोगो के नीचे ब्लैक ग्रिल पे जस्ट नीचे। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 210 mm का काफी ज्यादा तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो अभी चलते हैं गाड़ी की साइड की तरफ और आपको साइड लुक वगैरह चेकआउट करवाते हैं जो है टोयोटा हाई राइडर का। तो आप गाड़ी को जैसे साइड से देखेंगे तो आपको काफी तो आपको यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाएगा टोयोटा हाई राइडर का। यहाँ पे अगर गाड़ी की लेंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 4365 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है। और गाड़ी के अगर व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के जो है डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाती है और रेयर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगी कार में। और विंडो एरिया पे आपको पूरा क्रोम इंसर्ट का यूज देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक जो है आरवीएम देखने को मिल जाएगा साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में। यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग और इसके मिरर पे भी आपको जो है इसके कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और पेडल लैंप का भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी के अगर जो है एक फ्रेम में व्यू की बात करें तो हमें कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और आपको रेयर प्रोफाइल वगैरह चेकआउट करवाते हैं टोयोटा हाई राइडर की। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और आपको सही चीजें चेकआउट करवाते हैं। यहाँ पे आपको जो है रूफ रेल्स वगैरह देखने को मिल जाती है, आप इसका डुअल टोन वेरियंट देख रहे हैं तो आपको जो है ब्लैक देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर हेड और को पैसेंजर साइड। तो जैसे ही आप गाड़ी को पीछे से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे इसके रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सेंटर पे टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाता है, और ऊपर की तरफ सरफेस एंटीना स्पॉइलर वगैरह देखने को मिल जाएगा। अगर जो है गाड़ी की जो है यहाँ पे आपको जो है इसके रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाएगी टोयोटा के लोगो के जस्ट नीचे की तरफ। और गाड़ी की टेल लाइट की बात करें तो कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलेगा, पूरी एलईडी मिल जाएंगी आपको इसकी टेल लाइट वगैरह। और यहाँ पे आपको इसके साइड टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर वगैरह की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। और वी की जो है यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी हाइब्रिड की। और गाड़ी के लोअर बम्पर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे और थोड़ी ग्रे फिनिश देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है पूरी इसकी जो है कुछ ऐसी टेल लाइट मिल जाती है, और ऊपर ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको डिफॉगर रेयर वाइपर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है पूरी अभी बात करें गाड़ी के बूट स्पेस की, तो चलिए चेकआउट करवाते हैं आपको इसके टेल गेट को। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे वगैरह देखने को मिल जाएगी, और 60 और 40 के रिसीव में आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहीं पे आपको इसके बैटरी वगैरह की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये अगर गाड़ी की जो है इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 373 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, और बूट लैंप वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए बंद करते हैं और फिर चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और आपको इंटीरियर का व्यू वगैरह चेकआउट कराते हैं और इसके सारे फीचर वगैरह चेकआउट कराते हैं आपको। तो उससे पहले बात करें गाड़ी की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो कि। तो चलिए चलते हैं अभी गाड़ी के इंटीरियर में और फिर आपको सारे फीचर वगैरह चेकआउट कराते हैं इसके टॉप मॉडल के साथ में आने वाले। तो चलिए चलते हैं अभी गाड़ी के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा इनके डोर पे ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड। तो यहाँ पे अगर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है लॉक अनलॉक के साथ में स्मार्ट की मिल जाएगी, पीछे टोयोटा का लोगो मिल जाएगा ग्लॉसी ब्लैक के साथ में। तो जैसे ही आप इसके गेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे उससे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे आपको इसके जो है 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाएगी और पेडल लैंप की, वो मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे अगर बात करें गाड़ी के इंटीरियर की तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, डुअल टोन इंटीरियर मिलेगा, यहाँ पे ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल गेट ओपनर मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और ब्लैक और हल्का सा ब्राउन पैटर्न देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको जो बोतल के लिए स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो अभी बात करें गाड़ी के जो है इंटीरियर की, तो यहाँ पे आपको मैं एक बार में कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल जाएगा चेकआउट करवाऊँ तो ये कुछ ऐसा है। और अभी बात करें गाड़ी की सीट की, तो यहाँ पे आप इसको हाइट और रिक्लाइन दोनों तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे इसकी सीट को। और यहाँ पे आपको फ्रंट की दोनों वेंटिलेटेड सीट देखने को मिल जाएंगी, लेदर रैप। तो अभी बात करें नीचे की तरफ आपको एक्सीलेटर और ब्रेक पैडल देखने को मिल जाते हैं, और यहीं पे आपको जो है फ्रंट बोनेट ओपन करने के लिए और फ्यूलेट ओपन करने के लिए कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके लीवर वगैरह। तो अभी बात करें ऊपर की, तो यहाँ पे आपको हेड ऑफ डिस्प्ले और आइडल स्टार्ट स्टॉप और 360 कैमरे वाली बटन देखने को मिल जाएगी व्यू की। और यहाँ पे तो इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है, और कुछ ऐसा एसी वेंट का डिजाइन मिलता है। तो ये स्मार्ट हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो यहाँ पे आपको नीली बटन देखने को मिल जाती है। तो
अभी बात करें गाड़ी के जो है इंटीरियर की, तो अभी बैठ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर, गेट को करते हैं थोड़ा सा बंद और फिर बात करते हैं गाड़ी के सारे फीचर की। तो सबसे पहले बात करें गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको सेंटर में टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाता है, और इसके नीचे की तरफ यहाँ पे आपको थोड़ी ग्रेफिनेस मिल जाएगी, और एक तरफ आपको इसके स्क्रीन के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं पूरे, और दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको इसके मीटर कंसोल के कंट्रोल मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ कॉल पिकअप और कट करने के कंट्रोल मिल जाएंगे। और एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप इसको जो है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से आप एडजस्ट कर पाएंगे, यानी कि ऊपर नीचे अंदर बाहर आप जैसे चाहें अपनी ड्राइविंग के दौरान इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो इसे करते हैं थोड़ा सा बंद और फिर बात करते हैं गाड़ी के जो है मीटर वगैरह की। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके जो है वाइपर के कंट्रोल, और एक तरफ आपको इसके हेडलाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। तो अभी बात करते हैं गाड़ी के जो है मीटर कंसोल की, तो आप जैसे इसको एक बार प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, टोयोटा वगैरह का लोगो बन के आ जाएगा आपको इसकी स्क्रीन पे। तो जैसे आप इसको जो है दोबारा प्रेस करेंगे, तो चलिए आइए प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा मीटर कंसोल ऑन हो जाएगा, कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो अभी बात करें गाड़ी के मीटर कंसोल की, तो चलिए आइए आपको चेकआउट कराते हैं सारे फीचर वगैरह इसकी मीटर कंसोल की। तो यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल मिल जाता है मीटर इसका, जहाँ पे आपको एक तरफ जो है पूरे जो है इको और पावर वगैरह के मोड वगैरह, नीचे की तरफ आपको बैटरी का स्टेटस दिखाता रहेगा, और सेंटर पे आपको स्पीड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा देगा, और दूसरी तरफ आपको जो है पूरी व्हीकल टेम्परेचर वगैरह दिखा देगा, फ्यूल लेवल वगैरह और सारी चेक लाइट वगैरह यहीं पे दिखा देगा। और आप स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल से इसकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह को चेंज करके देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट की वार्निंग वगैरह भी ये देता रहेगा प्रॉपर। तो ये कुछ ऐसा इसका मीटर कंसोल है, और गाड़ी के अगर TPMS से लेके आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहीं पे दिख जाएंगी इसकी बैटरी लेवल तक की। तो अभी बात करते हैं गाड़ी की जो है सेंटर पैनल की, यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम की, आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, कितना बड़ा क्या। तो आप जैसे ही गाड़ी के सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, पूरी इसके सराउंडिंग में आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी, और ये सपोर्ट करेगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। नीचे आपको जो है 2 इवेंट मिल जाएंगे, हजार लाइट का स्विच देखने को मिल जाएगा, और नीचे की तरफ आपको जो है सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको बटन वगैरह। और उससे नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसके नीचे की तरफ ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा, और USB पोर्ट वगैरह यहीं पे देखने को मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे कुछ ऐसा इसका जो है गियर नॉब का डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो उससे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको जो है इसके यहाँ पे आपको इसके जो है EV वगैरह के मोड के बटन मिल जाएंगे, ड्राइव मोड वगैरह के बटन, और दोनों फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल मिल जाएंगे यहाँ पे, और 2 कप होल्डर मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे आपको स्लाइड वाला आर्मरेस्ट मिल जाएगा, उसके नीचे भी आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, और गाड़ी के हैंडब्रेक के साथ में आपको क्रोम ट्रीटमेंट का यूज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह मिल जाती है, और गाड़ी के अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एलिमिनेटेड जो है ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। तो अभी बात करें यहाँ पे आपको इसकी जो है हाइड्रोजन में लाइट देखने को मिल जाएगी, सनरूफ के कंट्रोल मिल जाएंगे, और यहीं पे आपको जो है इसका ऑटोमेटिक ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा। और गाड़ी के अगर सन वाइजर की बात करें तो यहाँ पे मिरर वगैरह मिल जाएगा लाइटिंग के साथ में, और ड्राइवर साइड भी आपको जो है मिरर मिल जाता है लाइट के साथ में। और अभी बात करें गाड़ी की जो है सेंटर में, यहाँ पे आपको मिल जाती है पैनारोमिक बड़ी सी सनरूफ, और यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर, और यहीं पे इसके कंट्रोल मिल जाते हैं सनरूफ के। तो अभी चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और फिर आपको चीजें चेकआउट कराते हैं गाड़ी के सेकंड रो की पीछे की तरफ क्या क्या चीजें हैं और कैसा क्या स्पेस है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ, और उससे पहले आपको कैमरे की क्वालिटी चेकआउट करवाऊँ तो कुछ ऐसा हमें इसके जो है कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, पूरी 360 डिग्री कैमरे की कुछ ऐसा आपको जो है ये कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बाहर से आपको सारी चीज़ें दिखा देगा गाड़ी के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। तो चलिए चलते हैं अभी गाड़ी के पीछे की तरफ और फिर आपको चीज़ें चेकआउट करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के बाहर की तरफ। तो अभी बात करें गाड़ी की जो है सेकंड रो की चल के पीछे की तरफ, तो आप जैसे इसके जो है पीछे वाले डोर को ओपन करेंगे ड्राइवर साइड के पीछे की तरफ, तो यहाँ पे भी आपको वही डुअल टोन इंटीरियर की थीम मिल जाएगी, ब्लैक और हल्का ब्राउन पैटर्न की कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्रोम इनसर्ट के साथ में गेट ओपनर मिल जाएगा, थोड़ी सी ग्रे फिनिश मिल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक के साथ में पावर विंडो के कंट्रोल सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको बोतल के लिए स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। और अभी बात करें पीछे वाली रो की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे पीछे की तरफ आपको, और पूरी लेदर रैप सीट देखने को मिल जाएंगी। तो अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगी ड्राइवर साइड के पीछे की तरफ, और नी रूम वगैरह काफी तगड़ा मिलेगा, मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, तो आप देख पा रहे होंगे कि काफी अच्छा खासा नी रूम मिलेगा। और 2 पीछे की तरफ आपको एसी वेंट मिल जाएंगे, नीचे की तरफ तो आपको जो है एक 2 टाइप सी पोर्ट और नीचे रखने के लिए फोन वगैरह स्पेस मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा इसके डिजाइन है एसी वेंट का। तो अभी बात करें गाड़ी के जो है ऊपर की तरफ सनरूफ की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी काफी बड़ी सी पैनारोमिक सनरूफ, ये आप देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा हमें पीछे से।
और अभी बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो हमें पीछे से कुछ ऐसा प्रीमियम सा इंटीरियर देखने को मिल जाता है हाई राइडर का। तो अभी बात करें पीछे वाली सीट पे, तो यहाँ पे आपको जो है आर्म रेस्ट देखने को मिल जाएगा दो कप होल्डर के साथ में, तो अपनी ड्रिंक वगैरह अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे आपको तीनों जो है हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो अभी बात करें तो नी रूम वगैरह मैंने आपको चेकआउट करवा ही दिया, और यहाँ पे आपको जो है पूरी लाइट वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जो है ग्रैब हैंडल के पास में हुक वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे आपको। तो अभी चलते हैं गाड़ी के आगे की तरफ और आपको इसके इंजन पावर वगैरह चेकआउट करवाते हैं, गाड़ी के ऑनरोड प्राइस वगैरह कितनी क्या होने वाली है सभी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के आगे की तरफ और फिर बात करते हैं गाड़ी के इंजन वगैरह की, माइलेज वगैरह की और इसकी ऑनरोड प्राइस की। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के आगे की तरफ। तो अभी बात करें यहाँ पे आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का टोयोटा का फुली स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाला 1.5 लीटर का जो है 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा जो है 91 जो है BHP के और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और गाड़ी के माइलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 27 KMPL का माइलेज कंपनी क्लेम करती है गाड़ी के इस गाड़ी के साथ में। अगर गाड़ी के ऑनरोड प्राइस की बात करें तो अभी हम खड़े हुए जो है सनी टोयोटा हजरतगंज लखनऊ में। अगर आप लखनऊ से हैं और टोयोटा का कोई प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करिए, आपको काफी अच्छा कस्टमर रिस्पांस वगैरह देखने को मिल जाएगा। और बाकी आपको इनका नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अगर बात करें गाड़ी के ऑनरोड प्राइस की, तो ये आप इसका देख रहे थे वी टॉप मॉडल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, जो कि आपको लखनऊ में पड़ता है जो है 24,28,000 रुपए के आसपास जो है। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।